डेट काइंड्स आपका रियल एनालिसिस में पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अप्रोच कर रहे हैं। हेडलाइन डालिए बाउंस। बाउंस, ठीक है। बाउंस पढ़ने से पहले हमको एक बेसिक चीज़ की स्टडी करनी पड़ेगी और वो है हमारा इंटरवल्स। बहुत से लोग आप लोग में इंटरवल्स के बारे में जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, ठीक है। तो इंटरवल्स को पहले हम लोग पढ़ेंगे। ओवरऑल कुल मिलाकर के 4 इंटरवल आपके कोर्स में रखे गए हैं। पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा है सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल, चौथा है सेमी राइट ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल और सेमी राइट ओपन इंटरवल। देखिए, मान लीजिए रियल नंबर लाइन पे, अच्छा पहली चीज तो ये समझिए कि इंटरवल बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर कभी भी आपको इंटरवल बनाना है तो आपको 2 रियल नंबर्स की ज़रूरत होगी। मान ले रहे हैं से ए कॉमा बी है, वो से ए कॉमा बी है, ये दोनों ही कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। बस इंटरवल बनने के लिए इतने ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 रियल नंबर की ज़रूरत होगी, ए और बी, ए और बी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए। लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी कहता है कि 2 लोगों के बीच में केवल 3 ही संबंध पाए जाते हैं, या तो इक्वल टू का, या तो ग्रेटर का, या तो लेस देन का। तो अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। हम मान ले रहे हैं ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा है, सच दैट ए लेस देन बी, ए बी से छोटा है। तो पहले तो इंटरवल बनने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 रियल नंबर्स चाहिए और वो दोनों ही रियल नंबर आपस में इक्वल नहीं होने चाहिए, ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। लॉ ऑफ ट्राइकॉट में कहता है कि 2 रियल नंबर्स के बीच में 3 ही संबंध होंगे, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन। ए और बी इक्वल टू नहीं है तो जाहिर सी बात है एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, ए इज लेस देन बी हमने मान लिया है, ठीक। आगे बढ़ा जाए, रियल नंबर लाइन पे मान ले रहे हैं यहाँ पे ए छोटा है, ये बी बड़ा है। ऑब्वियसली हम राइट में अप्रोच करते हैं तो रियल नंबर बढ़ते चले जाते हैं, लेफ्ट में अप्रोच करते हैं तो रियल नंबर घटते चले जाते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को राइट और लेफ्ट में भी कन्फ्यूज़न होता है। जब भी आप राइट और लेफ्ट की बात करते हैं तो ये आप हैं, आपके सामने कॉपी है। राइट हैंड की तरफ राइट होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट होता है। जैसे अगर हम ऐसे खड़े हैं और सामने हमारी कॉपी है तो राइट हैंड की तरफ राइट होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट होगा। राइट और लेफ्ट का हमारे मैथमेटिक्स में यही मतलब बताया गया है। अगर हम इस तरीके से खड़े हैं, ये सामने कॉपी है, राइट हैंड की तरफ राइट, लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट। आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे राइट अप्रोच करते हैं वो बढ़ता चला जाता है, लेफ्ट अप्रोच करेंगे तो घटता चला जाएगा। चूँकि ए बी से छोटा है इसलिए ए को लेफ्ट में ड्रॉ किया है और बी को राइट में। आगे देखिए, ओपन इंटरवल को इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर ये एस हो तो कहते हैं कि ओपन इंटरवल को ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप एक पिंजरे में चिड़िया रखें और दरवाज़ा खोल दें तो क्या होगा, जो दरवाजे पे बैठी रहेगी वो चिड़िया उड़ जाएगी। ये पिंजरा है, ये दरवाज़ा है। ओपन इंटरवल मतलब दरवाज़ा ओपन कर दिया,
जैसे ही दरवाज़ा ओपन करेगा, दरवाजे पे बैठी हुई चिड़िया बाहर निकल जाएगी, ये दोनों ही आपका बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ओपन इंटरवल में वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, ओपन इंटरवल में वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, ए था, एक्स था, बी था। ओपन इंटरवल में वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे जो ए से बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे। ए के राइट में है इसलिए ए से बड़ा होगा, बी से लेफ्ट में है इसलिए बी से छोटा होगा। दूसरी बात, चूँकि ओपन है पिंजरा तो ये दर खिड़कियों पे बैठे पंछी उड़ जाएंगे, इसलिए ए और बी के कभी भी इक्वल नहीं होगा। ये है हमारा ओपन इंटरवल। नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल, ये रही हमारी रियल नंबर लाइन आर। दो रियल नंबर ले लिया ए और बी, ए बी से छोटा है इसलिए ए को लेफ्ट में बनाया और बी को राइट में बनाया। क्लोज्ड इंटरवल में ऐसे बनाते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट से बनाते हैं। ओपन इंटरवल को ऐसे इस ब्रैकेट से बनाते हैं, क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट से बनाते हैं। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। अगर पिंजरे का दरवाज़ा बंद होगा तो क्या होगा, पक्षी उड़ नहीं पाएंगे। पक्षी उड़ नहीं पाएंगे इसका मतलब इस क्लोज इंटरवल में वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, एस क्लोज इंटरवल हो तो उसमें वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, ए लेफ्ट में, एक्स राइट में, बी और राइट में। एक्स राइट में है तो ए से बड़ा है, बी राइट में है तो एक्स से बड़ा है। क्लोज्ड है तो ये दोनों पक्षी उड़ नहीं पाए, इस केस में ये इसके बराबर भी होता है और इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब दरवाजे क्लोज्ड है, बंद है, ये दोनों उड़ नहीं पाए। इसका मतलब ए बी इसमें है, बी बी इसमें है, ए से बड़े एलिमेंट और बी से छोटे सब एलिमेंट इसमें पाए जाएंगे। ओपन इंटरवल का मतलब दरवाजे या खिड़कियां ओपन हो गई हैं, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, मतलब इससे बड़े और इससे छोटे होंगे, ए और बी इसमें पाए नहीं जाएंगे। अब इसको देखिए, सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल, रियल नंबर लाइन है, ए लेफ्ट में होगा, बी राइट में होगा। सेमी का मतलब होता है आधा, लेफ्ट मतलब लेफ्ट की तरफ ओपन, ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ ओपन। सेमी का मतलब आधा ओपन और आधा क्लोज्ड। इसको एक नाम और दिया गया है, सेमी लेफ्ट ओपन इंटरवल या सेमी राइट क्लोज इंटरवल। सेमी राइट क्लोज्ड इंटरवल, ये भी नाम इसका दिया गया है। ठीक, अगर हम मान लें कि ये S है तो कहते हैं इसमें वो सारे के सारे नंबर्स आएंगे, S इज इक्वल टू, इसमें वो सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। लिखने का तरीका वैसे ही, A लेफ्ट में है, X है, फिर B है, X राइट में है बड़ा होगा, B राइट में है बड़ा होगा, ओपन है, ये उड़ गया, उड़ गया मतलब ए के बराबर नहीं होगा, क्लोज्ड है ये इसमें रहेगा मतलब बी के बराबर होगा। इसको बोलते हैं सेमी लेफ्ट ओपन, सेमी क्लोज्ड बी। ठीक है, नेक्स्ट है सेमी राइट ओपन इंटरवल, इसका एक और नाम भी अभी हम लिखवा रहे हैं आपको। रियल नंबर लाइन है, ए आपका लेफ्ट में है, बी आपका राइट में है, सेमी राइट ओपन, राइट में अब की ओपन होगा, लेफ्ट पे अब की क्लोज्ड होगा, तो इसको नाम दिया जाता है सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल, सेमी लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं एस।
इसमें कोई एलिमेंट एक्स लेंगे तो कहते हैं एस इज इक्वल टू, उसमें वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। अरेंज कर दीजिए ए एक्स बी, एक्स राइट में है तो ग्रेटर देन, बी से लेफ्ट में है तो लेस देन। फिर वही चीज़, क्लोज्ड है तो बराबर होगा, ओपन है उड़ जाएगा। नाम दिया गया सेमी क्लोज्ड ए, सेमी ओपन बी। ये हमारे चार के चार इंटरवल्स हैं जिनकी स्टडी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ओपन का मतलब होता है कि वो चीज़ उसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्लोज्ड का मतलब होता है वो चीज़ उसमें इंक्लूड होगी। जो ओपन है वो वहाँ से उड़ गया, वो इंक्लूड नहीं है, जो क्लोज्ड है वो उसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये ओपन है तो ए और बी इंक्लूडेड नहीं होंगे, इसके बीच के सब इंक्लूडेड होंगे। ये क्लोज्ड है बीच के तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, ए और बी भी इंक्लूड होंगे। ये ओपन है तो ए इंक्लूड नहीं होगा, ए से बड़े इंक्लूड होंगे और बी भी इंक्लूड होगा, बी से छोटे भी इंक्लूड होंगे। ए इंक्लूड होगा, ए से बड़े इंक्लूड होंगे, बी इंक्लूड नहीं होगा, बी से छोटे इंक्लूड होंगे। ये हमारे चारों इंटरवल्स हैं। लिखिए इंटरवल्स, लिखिए लेट ए कॉमा बी आर टू रियल नंबर्स, लेट ए कॉमा बी आर टू रियल नंबर्स, लेट ए कॉमा बी आर टू रियल नंबर्स सच दैट such that a does not equal to b, such that a does not equal to b and a less than b, such that a does not equal to b and a less than b, such that a does not equal to b and a less than b, then there are following four types of intervals. Then there are following four type of intervals. लिख लीजिए सब। ऐसे ही चारों लिख लीजिए, जाए उनका डायग्राम बना लीजिए। समझ में आया इंटरवल्स?
हो गया भाई, बनाइए जल्दी बनाइए। ये बेसिक था बाउंस को पढ़ने के लिए। एक्चुअली में बाउंस में जो भी चीज़ें यूज़ होंगी वो इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल यूज़ होंगी, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, क्लोज्ड हो, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड हो, इसी फॉर्म में यूज़ होने वाली है। तो आपको इंटरवल्स का आइडिया होना इस चैप्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना उसके आइडिया के आप उसमें चीज़ों को पढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए पहले ही मैंने आपको मेंशन कर दिया कि कितने इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स बनने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे उन इंटरवल्स को मेंशन किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग अप्रोच करेंगे बाउंस पे। बाउंस भी कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से बाउंस हैं, क्या क्या चीज़ें समझने को हैं, आज हम लोग उसमें वो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फिर किसी भी सबसेट का बाउंस कैसे निकाला जाता है वो भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से बाउंस को हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे किसी सेट का बाउंड निकालेंगे। तब हम लोग नेक्स्ट फिर फर्दर थ्योरम्स पे अप्रोच करेंगे। छोटा चैप्टर है ये आपका, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। हो गया होगा, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड। नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी लोअर बाउंड। लोअर बाउंड, देखिए पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए एक्स कोई सबसेट है, सेट है, और एस उसका कोई सबसेट है। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, एक्स इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कहने का ये मतलब है कि आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, रियल नंबर भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हैं, रैशनल ले सकते हैं, इरेशनल ले सकते हैं, यू कैन टेक नेचुरल, यू कैन टेक इंटीजर्स। एक्स का मतलब होता है इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम आर कह देंगे तो आर का मतलब इसकी जगह आप केवल आर ही लेंगे और कुछ नहीं ले पाएंगे। इस अंतर को समझिएगा। एक्स कहने का मतलब यू कैन टेक एनी सेट, आइदर रेशनल, आइदर इरेशनल, आइदर नेचुरल और इंटीजर्स, एनीथिंग, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम x की जगह r लिख देते हैं देन यू आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसीलिए हमने यहाँ पे x लिया है। फिर इसका हमने कोई सबसेट ले लिया s।
ठीक है, ये भी हमारा नॉन एम्प्टी है। तो कहते हैं x का कोई भी एलिमेंट l लिया जाए, x का कोई भी एलिमेंट l लिया जाए, ये s का लोअर बाउंड तब कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट किसका था? x का। लोअर बाउंड किसका कहलाएगा? s का। अगर वो s के सारे एलिमेंट से, अगर l x के सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर हो। देखिए, लोअर का मतलब होता है छोटा। l x का एलिमेंट है, l s का लोअर बाउंड तब कहलाएगा जब l s के सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर हो जाए। उस केस में हम l को लोअर बाउंड कहेंगे। जैसे जैसे राइट में अप्रोच करते हैं बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे लेफ्ट में अप्रोच करते हैं घटता चला जाता है। इसलिए हमने क्या बोला, l लोअर बाउंड तब कहलाएगा जब वो s के हर एक एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s पढ़ते हैं इसको, मतलब s में आने वाले हर एक एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा, उस केस में इसको हम लोअर बाउंड कहेंगे। ठीक ठीक इसी तरीके से अपर बाउंड डिफाइन किया गया। अपर बाउंड में आपसे कहा गया कि मान लीजिए x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और s उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो x का कोई भी एलिमेंट, x का कोई भी एलिमेंट u s का अपर बाउंड कहलाएगा। u पाया कहाँ जाएगा? x में। और s का अपर बाउंड कहलाएगा अगर u s में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से अपर हो, मतलब बड़ा हो या बराबर हो। देखिए पहले बताया इसको ककरोज माउथ कहते हैं, जिधर की तरफ ओपन होगा ज़्यादा खाना खाएगा बड़ा हो जाएगा, और जिधर की तरफ बंद होगा कम खाना खाएगा छोटा रह जाएगा। इधर माउथ ओपन है दैट मीन्स यू बड़ा है, इधर माउथ क्लोज है दैट मीन्स एल छोटा है। तो ऊपर वाले में एल को लोअर बाउंड तब कहेंगे जबकि एल एस के हर एक एलिमेंट से छोटा और बराबर होगा। U को अपर बाउंड तब कहेंगे जब वो S के हर एक एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा। चाहे L हो चाहे U हो, ये दोनों ही एलिमेंट होते हैं X के। पहली बात, ये लोअर बाउंड कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा किसका? S का। तो S के एलिमेंट से छोटा या बड़ा या बराबर होना चाहिए, लोअर बाउंड। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने सीखी? लोअर बाउंड या अपर बाउंड स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। लोअर बाउंड या अपर बाउंड, साथ में बोलिए मेरे, लोअर बाउंड या अपर बाउंड स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। लोअर बाउंड या अपर बाउंड स्पेस के एलिमेंट्स होते हैं। ये s के लिए लोअर या अपर बाउंड कहलाएगा अगर s के हर एक एलिमेंट से छोटा और बराबर या बड़ा और बराबर होगा। पहला पॉइंट क्या बोले हैं, लोअर बाउंड या अपर बाउंड स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। दूसरा, लोअर बाउंड और अपर बाउंड s का कहलाएगा। तीसरा, तब जबकि s के हर एक एलिमेंट से छोटा और बराबर और s के हर एक एलिमेंट से बड़ा और बराबर होगा। क्या बोला गया? लोअर बाउंड और अपर बाउंड स्पेस के एलिमेंट्स होंगे। लोअर बाउंड और अपर बाउंड s का कहलाएगा तब जबकि s के हर एक एलिमेंट से छोटा और बराबर या s के हर एक एलिमेंट से बड़ा और बराबर होगा। इस केस में लोअर बाउंड और अपर बाउंड कहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, x आपका स्पेस है कैपिटल से, s उसका सबसेट है कैपिटल से, इसके एलिमेंट्स स्मॉल,
इसके भी एलिमेंट्स स्मॉल से और लोअर और अपर बाउंड को भी स्मॉल से एब्रीविएट करते हैं। जनरली कुछ बच्चे इसको कैपिटल यू बना देते हैं, ये कैपिटल नहीं होता है। यू भी स्मॉल से लिखा जाएगा, एल भी स्मॉल से लिखा जाएगा, एस के एलिमेंट्स भी स्मॉल से लिखे जाएंगे, केवल कैपिटल से एक्स और एस को एब्रीविएट करेंगे। कैपिटल से एक्स और एस को एब्रीविएट करेंगे। लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक्स का एलिमेंट होगा, स्पेस का एलिमेंट होगा। लोअर और अपर बाउंड एस के कहलाएंगे तब जबकि एस के हर एक एलिमेंट से छोटा और बराबर और एस के हर एक एलिमेंट से बड़ा और बराबर होंगे। इजंट क्लियर? लिखिए, लोअर बाउंड में लिखिए लेट लेट कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर्स, बी एनी सेट ऑफ नंबर्स एंड कैपिटल एस, एंड कैपिटल एस बी द नॉन एम्प्टी, बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, बी द नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। देन 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 एन एलिमेंट, देन एन एलिमेंट स्मॉल एल बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन एन एलिमेंट स्मॉल एल बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी लोअर बाउंड, इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, इज सेड टू बी लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस इफ ये लाइन लिखिए, एल इज लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एस। एल इज लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। नीचे से लिखिए, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स विच इज लेस देन from small l, which is less than from small l। देखिए small l से छोटा अगर हम कोई, छोटे की बात करेंगे तो इधर बढ़ेंगे, small l से छोटा कोई एलिमेंट अगर हम m ले लें तो वो भी इन सारे के सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा। तो वही बात हम आपको लिखवा रहे हैं कि l से छोटा अगर कोई एलिमेंट हम ले लेंगे तो वो भी लोअर बाउंड बनता है। ठीक है, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स विच इज लेस देन फ्रॉम स्मॉल एल, विच इज लेस देन फ्रॉम स्मॉल एल कॉमा इज ऑल्सो लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, इज ऑल्सो लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस एंड देन
और इस केस में जो आपका सेट एस होता है उस सेट को हम लोग बाउंडेड बिलो कहते हैं। ऐसे केस में जो सेट एस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड बिलो। एंड देन द सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, एंड देन द सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। एंड देन द सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो, एंड देन द सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड बिलो। देखिए इससे एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि जो लोअर बाउंड होता है वो एस में पाया भी जा सकता है और नहीं भी, ठीक है। जो लोअर बाउंड होता है वो एस का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी, ये बात तो आपको क्लियर हो गई। लाइन चेंज करके लिखिए, एनी लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, एनी लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस, मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस, मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस। जो लोअर बाउंड होता है वो एस का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए अपर बाउंड, अपर बाउंड। लेकिन लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर, लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर्स, लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर्स एंड कैपिटल एस, एंड कैपिटल एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ, एंड कैपिटल एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स, एंड कैपिटल एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। देन एन एलिमेंट, देन एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देन एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी अपर बाउंड, इज सेड टू बी अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, इज सेड टू बी अपर बाउंड ऑफ द सेट एस इफ, इफ ये लाइन लिखिए नीचे से, समझ में आ रहा है? क्लास में रेगुलर रहा करिए, ऑफलाइन वाले हैं तो ऑफलाइन की फिर पढ़ाई किया करिए, ठीक है। नीचे से लिखिए एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स। देखिए अगर ये अपर बाउंड है तो एक्स का अगर हम कोई और एलिमेंट ले लें एन जो कि यू से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ये एन इन सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। तो अगर U अपर बाउंड है तो U से बड़े जितने एलिमेंट्स होंगे वो भी क्या बन जाएंगे, अपर बाउंड बन जाएंगे। देखिए एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X, एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल X विच इज ग्रेटर देन स्मॉल U, विच इज ग्रेटर देन स्मॉल U, विच इज ग्रेटर देन स्मॉल U is also the upper bound, is also the upper bound of the set S, is also the upper bound of the set S।
and then the set S is called bounded above, and then the set S is called bounded above. मतलब कोई भी सेट बाउंडेड बिलो कब होगा, जब उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा. कोई भी सेट बाउंडेड अबव कब होगा, जब उसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, एंड देन द सेट इज कॉल्ड बाउंडेड अबव. देखिए इससे ये बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अपर बाउंड भी एस का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी. देखिए इन द केस ऑफ, जैसे जब क्लोज इंटरवल लेते हैं तो उस केस में ये श्योरिटी होती है कि हाँ ये इसका मेंबर होगा, लेकिन जब आप ओपन इंटरवल लेते हैं तो उस केस में फिर वो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब ये डिपेंड करता है कि एस का नेचर क्या है. एस के नेचर पे ही डिपेंड करेगा कि उसके बाउंड्स, चाहे वो लोअर बाउंड हो चाहे अपर बाउंड, उसमें एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं. लिखिए इस बात को, एनी अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, एनी अपर बाउंड ऑफ द सेट एस, एनी अपर बाउंड ऑफ द सेट एस मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस, मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस, मे और मे नॉट बिलोंग्स टू द सेट एस. ठीक है, ये तो आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो गया. अब इसके दो डेफिनेशन इसके एक्सटेंशन पे दी गई है. क्या है एक्सटेंशन, देखिए. नेक्स्ट इसका एक्सटेंशन है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको शॉर्ट में हम लोग GLB भी कहते हैं. और नेक्स्ट है हमारा लोवेस्ट लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम लोग LUB भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और फिर है हमारा लीस्ट अपर बाउंड. इसको एक नाम और दिया गया है इन्फीमम का, और इसको एक नाम दिया गया है सुप्रीमम का. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एब्रीविएट करिए GLB, इसको नाम दिया गया है इन्फीमम का, और लीस्ट अपर बाउंड LUB, इसको नाम दिया गया है सुप्रीमम का. ठीक है, हम लोग आमतौर की भाषा पे इसको इन्फीमम और सुप्रीमम के नाम से ही जानते हैं. ठीक है, या तो इन्फीमम कहते हैं या तो सुप्रीमम कहते हैं. अब देखिए इसकी डेफिनेशंस में क्या कहा गया, बिल्कुल वैसे ही मान ले रहे हैं एक्स हमारा कोई भी सेट ऑफ नंबर्स है, एस इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक्स हमारा सेट ऑफ नंबर्स है, एस हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है. जैसा कि नाम में आया है, पहला है लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड होना चाहिए उसको, और दूसरा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब सबसे बड़ा लोअर बाउंड होना चाहिए उसको. क्या मतलब हुआ, एस में एलिमेंट्स है x1 x2 x3 एंड सो ऑन --xn. कहते हैं एक्स का कोई भी एलिमेंट एल,
एक्स का कोई भी एलिमेंट एल इन्फीमम तब कहलाएगा जब पहला तो वो लोअर बाउंड बने। लोअर बाउंड होने का मतलब एल छोटा या बराबर होगा एस में आने वाले हर एक एलिमेंट से, ठीक। और दूसरा ग्रेटेस्ट बन जाए। ग्रेटेस्ट बन जाए मतलब अगर हम बोले कि इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू एक्स बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ एस, अगर ए एस का कोई दूसरा लोअर बाउंड है देन उस केस में एल हमारा ग्रेटेस्ट होना चाहिए। एल ग्रेटेस्ट होना चाहिए किससे? ए से। तो क्या हुआ, एक तो एल लोअर बाउंड बना, दूसरी बार एल ग्रेटेस्ट बन गया। ग्रेटेस्ट बन गया मतलब एस का कोई भी और दूसरा लोअर बाउंड लेंगे तो एल उन सब में सबसे बड़ा हो गया। तो ऐसे केस में एल को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब एक तो उसको लोअर बाउंड होना पड़ेगा, दूसरा उसको ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा। एल को एक तो लोअर बाउंड होना पड़ेगा, दूसरा उसको ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा, तब जाकर के उसको हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। लोअर बाउंड होने का मतलब एस में पाए जाने वाले हर एक एलिमेंट से छोटा होगा, और ग्रेटेस्ट का मतलब अगर हमने एस का कोई दूसरा लोअर बाउंड लिया तो एल उन सब में ग्रेटेस्ट होगा, सबसे बड़ा होगा। इस केस में हम लोग कहते हैं कि एल हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, जी एल बी है या फिर इन्फीमम है। ठीक ऐसे ही दूसरे वाले को भी समझ लीजिए, लीस्ट अपर बाउंड। मान ले रहे हैं कि ये हमारा एक्स सेट ऑफ नंबर्स है, एस उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसके एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डैश 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 एक्स एन। तब हम कहेंगे कि कोई एलिमेंट अगर हम ले यू तो यू सुप्रीमम तब कहलाएगा जब पहले तो यू अपर बाउंड बनाए। अपर बाउंड बनाने का मतलब यू अपर हो जाए, बड़ा हो जाए एस में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से। और दूसरा अगर हम इसका कोई दूसरा बाउंड ले लें, अपर बाउंड ले लें, मतलब इफ बी बिलोंग्स टू एक्स बी एनी अदर अपर बाउंड ऑफ एस, अगर ये बी इसका कोई दूसरा अपर बाउंड है तो यू हमारा लीस्ट होना चाहिए, देन यू उन सब में छोटा होना चाहिए, यू इज लेस देन बी। ये मतलब हुआ इसका कि एक तो अपर बाउंड होना चाहिए। अपर बाउंड होने का मतलब एस में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर हमने इसका कोई दूसरा अपर बाउंड ले लिया तो उस केस में यू सबसे छोटा होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग यू को लीस्ट अपर बाउंड या एल यू बी या सुप्रीमम के नाम से जानेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका, लोअर बाउंड के साथ ग्रेटेस्ट लगेगा, अपर बाउंड के साथ लीस्ट लगेगा। अपर बाउंड में यू है इसलिए सुप्रीमम लेंगे, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में इन्फीमम लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में इन्फीमम लेंगे, लीस्ट अपर बाउंड में सुप्रीमम लेंगे। ठीक, लिखिए, हेडलाइन डालिए, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी एल बी और इन्फीमम। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जी एल बी और इन्फीमम लिखिए इसमें। लेट कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर, लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर एंड कैपिटल एस
एंड कैपिटल एस बी एन ई एंड कैपिटल एस बी एन ई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एस बी एन ई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स देन एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू एक्स देन एन एलिमेंट एल बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी greatest lower bound or greatest lower bound or infimum of the set S if पहला पॉइंट लिखिए if पहला पॉइंट L is lower bound of the set S L is lower bound of the set S that is L is lower bound of the set S that is ये वाला That is, L is less than or equal to X for every X belongs to S. दूसरा पॉइंट लिखिए If small a belongs to X, if small a belongs to X, be any other lower bound of S, be any other lower bound of S, be any other lower bound of S. Then be any other lower bound of S then L is greater than A नीचे से लिखिए symbolically we write infimum of S is equal to L or GLB of S is equal to L. Symbolically, we write infimum को short में INF लिखते हैं. That stands for infimum and this stands for greatest lower bound. हो गया भाई नेक्स्ट हेडलाइन डालिए लीस्ट अपर बाउंड ब्रैकेट में एल यू बी ओ आर और सुप्रीमम लीस्ट अपर बाउंड ब्रैकेट में एल यू बी ब्रैकेट बंद ओ आर और सुप्रीमम OR और supremum least upper bound bracket में LUB OR और supremum लिखिए let capital X be any
सेट ऑफ नंबर्स लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर्स लेट कैपिटल एक्स बी एनी सेट ऑफ नंबर्स एंड कैपिटल एस एंड कैपिटल एस बी एनी एंड कैपिटल एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल एस बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स देन एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एक्स देन एन एलिमेंट यू बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड इज सेड टू बी लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ द सेट कैपिटल एस ऑफ द सेट कैपिटल एस आई एफ एफ पहला पॉइंट लिखिए यू इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस यू इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस यू इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस यू इज एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस दैट इज ये पॉइंट लिखिए U is an upper bound of the set S. That is pehla point. Dusra point likhiye. If B belongs to X, be any other upper bound of S. If B belongs to X, be any other upper bound of S. If B belongs to X, be any other upper bound of S, then U less than B. Then U less than B. Then U less than B. नीचे से लिखिए सिंबॉलिकली लिखिए सुप्रीमम ऑफ S इज इक्वल टू U और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ S इज इक्वल टू U. सुप्रीमम ऑफ S is equal to U or least upper bound of S is equal to U. Next headline डालिए bounded set bounded set. देखिए कोई भी सेट बाउंडेड तब कहलाता है जब वो या तो बाउंडेड बिलो हो या बाउंडेड अबव हो. बाउंडेड बिलो होने का मतलब लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे, बाउंडेड अबव होने का मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट करे. तो उस केस में उस सेट को बाउंडेड सेट कहते हैं. लिखिए
सेट एस, सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड, सेट इज सेट टू बी बाउंडेड, सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव. A set capital S is said to be bounded if and only if it is bounded below as well as bounded above. If and only if it is bounded below as well as bounded above. बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे. ठीक है.